फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। खाने के तेल की कीमतों के बढ़ने की आशंका है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए एक प्लान भी बना लिया है। दरअसल भारत सरकार ने इंडोनेशिया से देश में पाम तेल के शिपमेंट को बढ़ाने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। मामले की जानकारी रखने वाले दो सरकारी सूत्रों ने कहा है कि इस सप्ताह भारत सरकार के अधिकारियों ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ पाम के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल बैठक की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शिपमेंट बढ़ाकर सरकार तेल की सप्लाई के हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है। हालांकि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों ने भी अभी जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है। असल में पिछले साल भारत के खाद्य तेल आयात में यूक्रेन और रूस का योगदान लगभग 13% था। इस साल भारत को 16 लाख टन तेल की आपूर्ति हो गई थी। अगर भारत की बात करें तो खाद्य तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अपने आधे से अधिक पाम तेल आयात के लिए शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया पर निर्भर है। हालांकि घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जनवरी महीने में इंडोनेशिया की सरकार ने अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से ही सरकार चिंतित थी। अब यूक्रेन और रूस की जंग ने सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। भारत ने पिछले 8 महीनों में 4 बार वनस्पति तेल के आयात पर अलग अलग तरह से करों में कटौती की है। यही नहीं, सिर्फ कच्चे तेल के बजाय रिफाइंड पाम तेल की विदेशी खरीद की अनुमति दी है। हालांकि कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।